डिड आई हर्ट यू? पाकिस्तानी अवाम ना मर्दों एंड वुमेन से बड़ी हुई है, हमने अपनी बेटियां भूखे थर्स्टी कुत्तों के आगे नहीं फेंक देंगे। आर यू ट्राइंग टू से कि बीइंग अ सेकंड वाइफ बगैरती का काम है? वो एक तालीमी इदारा है, लीव इट एज अ तालीमी इदारा। आज़ाद चाय वाले का जो इंस्टीट्यूट है, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज की जो डिग्रीज है उनसे हज़ार गुना बेहतर है। न्यू एफिंग प्रायोरिटी इज कि भाई हम डांसिंग करते हैं, हम फलाना करते हैं, हम ट्रिपिंग करते हैं, फलाटिंगा। यू हैव अ प्रॉब्लम, गो टेक इट अप विद अल्लाह। लाइक आई सेड, पाकिस्तान में बहुत थोड़े सारे मर्द रह गए हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ वन ऑफ देम एंड आई एम गोना क्रिएट बिलियंस मोर। पॉपुलेशन नहीं है हमारी इतनी जितने मैं क्रिएट करूँगा। अक्कल खा गई आपकी। अस्सलाम वालेकुम लीना रो, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी ना भेजो, डेढ़ हफ्ता पहले वीडियो निकाला था एंड ये लग गया सस्ते वन अभी लिबरल्स के हाथ हूँ एंड फॉर द सेक ऑफ शोल मेला कुछ जवाब देते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन मुझे याद है, भाजी बोलती है कि खुद तो यूके में रहता है और हमें पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए सिस्टर, 5 साल हो गए हैं मुझे लिविंग इन पाकिस्तान एंड मेरी फैमिली भी मेरे साथ रहती है और वहाँ से उखाड़ के लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द अबिलिटी टू स्टे एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जिसको आप दुबई, भाई दुबई में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रॉपर्टी है, ओके। बट आई चोज पाकिस्तान, मुझे ये सेफ लगा, मुझे ये लास्ट जगह मिली है जहाँ पे आई फील कि बंदा अपनी बेटियों को, बच्चों को, बेटों को बचा के रख सकता है फ्रॉम द बुलशिट ऑफ द वर्ल्ड, बेगैरती। एंड जिन जिनके पास नहीं ना इस्तात, जो अभी भी यूके अमेरिका में फंसे हुए हैं टू माइग्रेट आउट ऑफ द यूके, उनसे पूछ उन पे क्या गुजर रही है, उनकी बेटियों के बेटों के क्या हाल है, ओके। सो अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट गेट यू फैक्ट्स राइट। दूसरा सवाल, ही इज़ अ वुमन हेटर। देखें एक मर्द की सबसे कीमती बात क्या चीज़ होती है, उसकी बेटियाँ। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू शिटी कॉमेंट, हमने अपनी बेटियाँ भूखे थर्स्टी कुत्तों के आगे नहीं फेंक देंगे। या मर्द हम, वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर बेबीज। अच्छा, अपना मंजन बेचने के लिए लड़कियों की तालीम के खिलाफ बोल रहा है। देखें मैं एक्सप्रेसिवली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार ना मैं करता नहीं, आप बार बार कहते हो अपना मंजन, अपना मंजन। यस, मैं अपना मंजन बेचता हूँ, इट्स स्टूपिडली अमेजिंगली गुड। मेरा मंजन यूनिवर्सिटी के मंजन से बेहतर है, वो भी आपको फ्री नहीं दे रहा होता। मेरा जो है ना इज़ प्रॉब्ली लाइक 20 times चीपर देन अ डिग्री। सालों में देखें तो लाइक प्रॉब्ली वहाँ पे 72 साल लग जाते हैं टू अचीव ए डिग्री। मेरे 2 महीनों में आप डिजिटल मार्केटर बन जाती हैं, बन जाते हो, घर से काम कर सकते हो, यू आर ट्रेंड एंड जॉब रेडी विद इन 2 months एंड या सो माई मंजन इज़ फार बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वो मंजर अगर किसी काम का होता तो आई वुड टेल यू कि भाई जाएं तालीम हासिल करें, पर तालीम रही नहीं वहाँ पे। तो नॉर्मली मैं करता नहीं, बट यहाँ पे मैं आपको जानबूझ के कह रहा हूँ कि आज़ाद चाय वाले का जो इंस्टीट्यूट है, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज है उनसे हज़ार गुना बेहतर है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई मेड इट दैट, आई मेड इट अपडेटेड, आई मेड इट, और यू नो मैंने जब वो वीडियो बनाया था उसमें मैंने अल्टरनेटिव्स दिए थे, लेकिन मैंने क्या कहा, पाकिस्तानी अवाम ना मर्दों एंड वुमेन से बड़ी हुई है, ओके। एंड तो वहाँ लॉजिकल, लॉजिक जस्ट लीव्स द बिल्डिंग राइट, तो लॉजिकल बात होती कोई नहीं है। सो मैंने कहा था कि अपनी बेटियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दें, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट्स अपने करीब ढूंढ लें। एंड द रीज़न आई पुश इंस्टीट्यूट्स इज कि वहाँ पे ये फेयरवेल पार्टीज़ और हैलोवीन एंड ये फलाना टींगा डंगर पूना नहीं होता। वहाँ पे आप जाते हैं लाइक 2 o'clock यू गो, 5 o'clock यू डन डस्टेड एंड बैक होम, एंड 2 महीने का वो टोटल एक्सपीरियंस होता है। एंड अगर आप में से यार बहुत ज़्यादा कोई उटकर ही है ना एंड आपको कोई तकलीफ हो रही है ना, तो व्हाट आई वुड हाईली रेकमेंड टू यू, इट्स रियली ब्यूटीफुल बिजनेस एंड मैंने मिलियंस कमा लिए हैं, आप जाके ना एक गर्ल्स ओनली इंस्टीट्यूट खोलें। और जितने मैंने मिलियंस कमा लिए ना, आप भी कमा लेंगे इंशाल्लाह, अगर हिम्मत है ना तो डू दैट। हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म बहुत होती है, लाइक देयर वाज अ पर्सन द अदर डे मुझे शदीद क्रिटिसाइज कर रहा था कि आज़ाद चाय वाला फलाना फलाना, बट देन द पीपल आवाम आई और उनको अब हकीकत पता लग गई है, वो जाग गए हैं। 99% ऑफ द कमेंट्स वर इन माय फेवर, कहते हैं तू कब फ्री कोर्सेज दे रहा है, तू कब फ्री एजुकेशन देगा, ठीक है, तू कब मेंटोरिंग करेगा, तूने जिंदगी में खट्टा क्या, ओके। सो आई एम लविंग दिस राइट। मैकडॉनल्ड्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद तो सेकंड वाइफ चला रहा है और दूसरों को बेगैरती से रोक रहा है, खुद तो, आर यू ट्राइंग टू से कि बीइंग अ सेकंड वाइफ बेगैरती का काम है? आर यू ट्राइंग टू से कि
हैविंग अ सेकंड वाइफ बगैरती का काम है, बट योर गर्लफ्रेंड वाला कल्चर ब्लडी क्या कहते हैं बगैरती नहीं है। अल्लाह ने एक चीज जायज की हुई है, यू हैव अ प्रॉब्लम, गो टेक इट अप विद अल्लाह, ठीक है, दैट्स वेयर आई ड्रॉ द लाइन। अल्लाह ने एक चीज हलाल की हुई है, हु द हेल आर यू टू कॉल इट बगैरती, दैट्स मी प्रोटेक्टिंग वुमेन। जब मैं प्रोटेक्ट नहीं ना करूंगा, व्हेन आई डू नॉट गिव देम एन एवेन्यू टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, टू हैव अ हस्बैंड, टू बी लव्ड, उनका जिस तरह हक नहीं है, दैट्स व्हेन बगैरती स्टार्ट्स, दैट्स व्हेन वुमेन स्टार्ट टू बी यूज्ड। खातूने देर क्वींस, दे नीड टू बी ट्रीटेड लाइक दैट, और वो मर्द किंग जी होता है ट्रीट करता है। मोस्ट मैन जिनकी हिम्मत होती है टू मैरी मल्टीपल वुमेन, वो किंग्स ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो प्राउड दैट आई रन secondwife.com, एंड अनकरीब मैं उसकी वो लीडरशिप फिर लेने वाला हूँ, एंड अनकरीब आई एम गोना ब्लो एवरीथिंग आउट ऑफ द वाटर, देखना। आप वो होते हैं ना कब्र में बंदा करवटें खा रहा है, नो जो भी होता है, यू विल बी डूइंग दैट वाइल स्टिल अलाइव इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ख़राब नहीं होती, लोगों के कैरेक्टर्स ठीक नहीं होते भाई। एक चीज़ ना ना रखो, एक कल्चर ना ना रखो, एक तालीमी इदारा, लीव इट एज ए तालीमी इदारा। पहले तो वहाँ से तालीम उड़ा दी, अब वहाँ पे उसके अल्टरनेटिव पार्टियाँ करना शुरू कर दिया ताकि लोग डिस्ट्रैक्टेड हों, तो रिस्क ही नहीं करते हम। वैसे कि जैसे आप सड़क के किनारे कोई गंदा सा रेस्टोरेंट हो, वहाँ पर आप जाएँ एंड आप तवक्को करेंगे भाई बेशक शेफ़ गंदा है, इन्वायरमेंट गंदी है, मक्खियाँ हर जगह आपके खाने पर बैठ रही हैं, लेकिन मैं तो साफ़ हूँ ना और मैं मेरा पेट नहीं ख़राब होगा, दैट्स बेवकूफ़ी। सिमिलरली दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद आवर यूनिवर्सिटी, एनवायरनमेंट का बंदा हो जाता है, यू बिकम व्हाट योर सराउंडिंग्स आर, यू बिकम द पीपल दैट सराउंड यू। एंड जो हमारे बच्चे हैं ना, दे आर नॉट स्ट्रांग ऑफ कैरेक्टर, बड़े ईजली इम्प्रेशनेबल होते हैं, तो जब वो देखेंगे भाई पूरी सोसाइटी इंक्लूडिंग द एकेडेमिया एंड फैकल्टी हमें इंकरेज कर ये करने में, एंड इफ़ वी डोंट पार्टेक इन दैट, और हम आउटसाइडर्स होंगे सोसाइटी में, हम बुरे लगेंगे, तो दे फॉल ट्रैप टू सच थिंग्स, और फिर वो नॉर्म बन जाती है, एंड देन पीपल लाइक यू विद इंफीरियर कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो जाते हैं। इमेजिन द मेंटालिटी ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली लिसनिंग टू हिम, मर्द के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दे विल डू वेरी वेल इन देयर लाइफ, अबव एवरेज, क्योंकि उनको सिंपल सा मैसेज दिया है, तालीम हासिल करो, रटा नहीं, फॉरगेट द डिस्ट्रैक्शंस, मेक योर सेल्फ वैल्यूबल, अपने आप को कीमती बनाओ, वैल्यूबल मैन। मेजॉरिटी मेरे मैन देखने वाले हैं, मेरी सिस्टरें भी हैं, सिस्टरों को कहता हूँ बिकम वैल्यूबल फॉर योर मर्द, वैल्यूबल मर्द जो है ना वैल्यूबल वुमेन ढूंढ रही होती हैं, बट है आई डोंट यूजली मेंटोर मेरी बहनें, मेरी ज़्यादा फोकस अपने बेटों पे, छोटे भाइयों पे होती है, एंड दे आर शहजादे, एंड दे विल मेक मनी, दे विल मेक थिंग्स, एंड दे विल इंशाल्लाह मेक द वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड देयर फिंगर इंशाल्लाह। लुक एट द वोकैबुलरी ही यूजेस, डिड आई हर्ट यू, आपका यानी इतने नाजुक हैं, यू कॉन्ट हैंडल अ फ्यू सख्त अल्फाज, ग्रो अप मैन सीरियसली। अज़ाद चाय वाला शुड नॉट सेंड हिज किड्स टू यूनिवर्सिटी एंड ही शुड स्टार्ट सेटिंग एन एग्जाम्पल। देखिए आई हैव नेवर बीन टू अ यूनिवर्सिटी, उनकी क्या बात करते हैं, उनका अब्बा नहीं गया तो, नेवर फेल्ट अ नीड टू, द डे लाइक 20 years अगो मैंने देखा कि भाई ये क्या कहते हैं कौन सी मार्केटिंग सिखा रहे हैं, मैंने कहा आई नो डिजिटल मार्केटिंग, एंड देन आई एंडेड अप यूजिंग माई स्किल्स टू एक्यूमुलेट ओवर 1 billion यूजर्स अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट वंस बट ट्वाइस, और मैं मल्टीपल इसके कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, बट प्रूफ मेरा 2 पे ही है, आई एम रेफरिंग टू माई इन्वेस्टमेंट्स, उनके भी तो 1 billion+ यूजर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ इसके जो ये वीडियो ना इसको वायरल कर दो ताकि लोग इसकी देख सकें शक्ल, प्लीज़। अगले दिन ना मैंने एक बार जी को थैंक यू लिखा, मैंने कहा थैंक यू फॉर द 130,000 एक्स्ट्रा व्यूज़ यानी उसके शेयरिंग पे मिले, थैंक यू, आई होप आप सब ऐसे करें, आप सबको मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ मिले, ये जाहिल स्प्रेडिंग जहालत, एट वॉट पॉइंट अम आई जाहिल, वॉट आपका पैमाना क्या है, लाइक आई तकब्बुर नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। कभी खुद यूनिवर्सिटी नहीं गए तो दूसरों को यही कहते हैं, भाई जिन यूनिवर्सिटीज के ऊपर आप नाज करते हैं ना, शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी पूरे पाकिस्तान में जिसने मुझे इनवाइट ना किया हो टू कम एंड टॉक टू वो बच्चे जो वहाँ पे होते हैं, शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, एंड यही यूनिवर्सिटी आप छोड़,
यार यूके की यूनिवर्सिटी है ना मुझे ऑफर कर रही है ऑनररी PhDs एंड आई डोंट नीड दम एंड आई हैव नेवर एक्सेप्टेड दैट। आपको कर रही हैं ये जाहिल, ये बंदा जिसको अभी कोई बंदा जाहिल कह रहा था, इसको ऑफर कर रही हैं। मैंने कहा तालीम का हासिल करने का एक तरीका नहीं होता। डज दैट मीन एवरीबॉडी बियॉन्ड लाइक से पास 50 ईयर्स ही हमारी आवाम को आई है ना यूनिवर्सिटी की अकल, सारे उससे पहले जाहिल थे। योर पेरेंट्स हु डू नॉट हैव यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ, जिन्होंने आपको इतना अट्टा कट्टा पाल लिया है यह मेहनत करके, वो जाहिल थे। अक्ल खा गई आपकी। पीपल लाइक यू आर द रीज़न पाकिस्तान हैज़ अ लो लिटरेसी रेट। पाकिस्तान हैज़ अ लो लिटरेसी रेट। अगले दिन मेरे से ना कोई बंदा आर्ग्यू कर रहा था एंड दे डिडंट नो कि लिटरेसी रेट क्या होती है। मैं आपको समझा देता हूँ। द एबिलिटी टू राइट वन सेंटेंस एंड टू कॉम्प्रीहेंड इट, एक सेंटेंस आप लिटरेट हैं, द एंड। ओके, आप अपने कहाँ पे रहते हैं यार? एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेट इन पाकिस्तान। हाँ, यूनिवर्सिटी ना भेजो, इसकी वेबसाइट से कोर्सेज कर लो एंड द एंड। यस, मेरी यूनिवर्सिटी भी है, एक वेबसाइट तो नहीं मैं बोलता पर वेबसाइट की शक्ल में है, ऑनलाइन है क्योंकि मॉडर्न है एंड इट्स ऑब्वियसली अवेलेबल थ्रू आउट द होल ऑफ पाकिस्तान, muft.pk, वहाँ से आप जाके कर लो, तालीम हासिल कर लो। इट्स प्रॉब्ली बेटर देन अ डिग्री। और बहुत सारे लोग डिग्री करके मेरे पास ही आ रहे होते हैं उसके बाद। एंड माई यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ प्रॉब्ली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द होल ऑफ पाकिस्तान। 10 दाखिले एवरी सिंगल मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और यूनिवर्सिटी जानते हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ 10 दाखिले पर मिनट हो रहे हों? नो, अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग एंड वी हैव पीपल लाइक हिम, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सेंटेंस मैं नहीं पढ़ता बिकॉज इट्स यार ऑलवेज पुटिंग पीपल डाउन। मैं पीपल डाउन नहीं करता, आई रेज पीपल। दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग फॉर द पास्ट गॉड नोज लाइक ऑलमोस्ट अ डेकेड। आई शो पीपल हाउ टू मेक मनी, आई शो हाउ पीपल हाउ दे कैन लिबरेट देमसेल्व्स फ्रॉम गुरबत, फ्रॉम जहलियत। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस ईयर आई बीन इवन अक्रेडिटेड फॉर द लो एंट्री रेट इन टू यूनिवर्सिटीज़, कि भाई इतने ज़्यादा बच्चे अब ना जॉब मार्केट में उतरे हैं बाई लर्निंग फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब, बाई टेकिंग शॉर्ट कोर्सेज, फास्ट ट्रैक एजुकेशन लेके वगैरह वगैरह। एंड आई विल वेयर दैट ऑन माई चेस्ट, आई डेफिनेटली हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट अल्हम्दुलिल्लाह। पर अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमने बचाना है एंड जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमने ठीक करना है। ज़ा चाय वाला डजंट वांट वुमेन टू बी इंडिपेंडेंट। भाई मैं नहीं चाह रहा तो और कौन चाह रहा है? हैव यू सीन द अमाउंट ऑफ वीडियोज आई हैव मेड, बिजनेस आइडियाज़ फॉर वुमेन, लेडी लीडर्स मैंने कितनी आपके सामने रखी हैं कि भाई मेरी बाजीज जैसी है, लाइक 150 पीपल एम्प्लॉय करती है एंड शी टोट हरसेल्फ हर ओन स्किल्स एंड अपवर्क पे पता नहीं कहाँ कहाँ उसके यानी क्लाइंट्स हैं। मैंने आपको सिस्टर बताई जो यार फ्रूट ड्राई करती हैं, ठीक है, अ स्नैक दैट कैन बी एक्सपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड शुगर फ्री। मैंने आपको, मैंने बेशुमार अपनी बहनों को सर पे उठाया, उनके मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स फ्री में प्रमोट किए हैं। और एक सिस्टर का मैसेज मुझे रुला गया, फ्रॉम वेयर हालात वर टू वेयर दे आर नाउ एंड शी ऑल, इट वाज जस्ट अ देसी घी का प्रोडक्ट था। ज़ाद भाई आपका एक वीडियो, एक वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह आई सपोर्ट माई सिस्टर्स, ठीक है। मुझसे बड़ा कोई खैरा पाकिस्तान में नहीं होगा फीमेल्स का, मुझसे बड़ा कोई प्रो एजुकेशनिस्ट नहीं होगा पाकिस्तान में, मुझसे बड़ा कोई हैर खानी होगा शायद पाकिस्तान में पाकिस्तान का, बट आई डोंट नीड से दैट। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव पीपल जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आपको कितने अप्रिशिएट करते हैं? आपने क्या खट लिया? व्हाट गुड आर यू गिविंग टू द वर्ल्ड? व्हाट आर यू गिविंग बैक? व्हाई आर यू वैल्यूएबल? यू आर नॉट, सिंपल एज कीबोर्ड वॉरियर, वो कर दिया एंड जी बस। एंड आज आपको जो चाहिए था ना पब्लिसिटी, वो मैं दे रहा हूँ, बट आई एम इवन मैंशनिंग योर नेम्स जानबूझ के। ये भी मुझे ही फ़ायदा हो रहा है, और करो इस तरह के कॉमर्स तक एक और पार्ट बन जाए इंशाल्लाह। ये कहता है कि अब साड़ियाँ अपनी बेटियों मेरे पास भेजो, भेज दो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखा दूंगा अपनी बहनों का। सीरियसली पता क्या, ये जो रट्टा है ना इसने आपका दिमाग खा दिया, यू हैव लिटरली लॉस्ट इट। व्हेन देयर इज़ अ बेटर ऑप्शन टेक इट, है ना? अब भी आप किसी को दूर से आला मारती हैं या डू यू वॉक अप टू अ पर्सन 10, 20, 30, 40, 50, 100 miles एंड उसको जाके बताती हैं कि भाई आते हुए ब्रेड ले आना, या डू यू यूज़ द फोन विच इज़ अ बेटर ऑप्शन? तो जब लाइक
मेरी बेटियां, मेरी बहनें मेरे इंस्टीट्यूट में और एट एनी अदर, मैं कह रहा हूँ फ्री वाली भी जो है, 4 महीनों में हम लोग इन्हें बाइज्जत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बना देते हैं, वी मेक देम एम्प्लॉयबल, घर में बैठ के इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम कर सकती हैं, नथिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज, उनकी इज्जत नहीं कॉम्प्रोमाइज हुई, उनका पैसा नहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, एंड आई लिबरेट माई सिस्टर्स, ठीक है, एंड यानी आई डोंट नो ट्रूली जाहिल कौन है, छोड़े, वॉट इज बेटर 4 मंथ्स की मेहनत एंड देन बींग एम्प्लॉयबल, या 72 महीनों की का रटा एंड देन लाइक नो प्रोस्पेक्ट्स, यू अब क्या कहूँ आपको, डिसाइड को करना होता तो कब की कर चुकी होती, यू वुड बी मेकिंग स्टूपिड कॉमेंट्स लाइक दिस, द काइंड ऑफ रेज आई एम फीलिंग राइट नाउ इज ऑफ द चार्ट्स, मेरी बहन अल्लाह आपको सब्र दे, द रीज़न फॉर दैट इज कि मैंने सच बोला, सच हजम होने में वक्त लगता है, एनी वेलकम, अच्छा देन वी गॉट दिस अनदर मौलवी विद द सेम भाषण, सिस्टर मेरी, कांट कम अप विद अ बेटर वर्ड, आई दारी देखा जी मौलवी हो गया, आई कंसिडर दैट अ गाली टू बी ऑनेस्ट, सो मैन राइट नाउ आपको एक बदुआ दे सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू, एंड दैट बदुआ माइट बी अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ मे द ऑलमाइटी grant you a visa of Netherlands or aap wahan pe chali jaye and khas taur pe in that because you love liberalism and you want the pinnacle of it right kyunki agar shuru kar diya hai na to we might as well go to the intaha uski kyunki bahut zyada liberalism bahut zyada freedom हम उसका कैप कहाँ लगाएं, कहाँ उसे रोकें, क्योंकि हर बंदे का अपना ओपिनियन होगा, यहाँ रोकेंगे तो कहें नहीं भाई तो तंग है अली, इतनी हो इतनी कार और कार एक्सेट्रा, तो मैं कहता हूँ कि आप सीधी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो है ना वहाँ पे आपका कोई लग जाए, बट आई एम नॉट गोना से दैट, ठीक है, दैट वुड बी अ वेरी बैड बदवा, बट यू गेट इट राइट, क्योंकि वो वुमेन ना रियली मेरी मर्जी मेरा जिसम व्हाटएवर द बुलशिट इज राइट, उसको ठीक ठाक एक्सरसाइज कर रही है, इज दैट व्हाट यू वांट, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही होगा, इस्लाम इज Always about prevention, not the cure. ठीक है, क्योंकि उस चीज़ की क्योर कोई नहीं है, उसको होने ही ना दो. Allah tells us about prevention, and that's what I'm doing today. And how, इसका alternative क्या है? It's like people like you, जो मेरे पे तोहमत लगा रहे हैं उन वालदों पे, right? जो मे भी थोड़े से कमज़ोर हैं financially, support में, etc. जो नहीं चाहते कि उनकी इज्जत उछाली जाए, एक्सपोज की जाए, और वो चाहते हैं कि कोई नहीं यार, इट्स बेहतर मैं अपनी बेटी को अल्टीमेटली घरेलू चीज़ें सिखा लेता हूँ, एंड शील गो बी अ वंडरफुल वाइफ एंड शील गेट लव्ड एंड शील हैव अ फैमिली ऑफ हर ओन, बट यू गाइस कम एंड से नहीं भाई घर में रखा हुआ है इसलिए क्यों चाहता है कि भाई अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहा, एंड उस मजबूरी उस ताने से बचने के लिए ना उस रास्ते धकेल देते हैं, आई एम नॉट दैट पर्सन, मैं उनको सलूट करता हूँ उन बापों को, बिकॉज उनके दिल पे जाके लगती है, जो उन पे गुजरती है ना वो मुझे पता है, गया? मैंने आपको उस दिन भी मिसालें दी थी किस तरह घर तबाह हो रहे हैं, इस तरह किस तरह उछाली जा रही हैं, एंड आई हैव सीन द डर्टी साइड ऑफ इट, मैंने कहा उस बार उस वीडियो में भी दैट आई हैव सीन 12 ईयर ओल्ड्स प्रेग्नेंट, एंड ट्रस्ट मी वो यूके के लिए भी ज़बरदस्त डिसीजन नहीं थी, या इट वॉज अ बैड डिसीजन, बट हाइंडसाइट लोगों के पास नहीं होती, वो उसमें से गुजर चुके हैं, अगर एक कम्यूनिटी एक सोसाइटी सफ़र कर रही है ना द रियल मैन दे डू एग्जिस्ट, मैं सामने हूँ ना, यू लुकिंग एट वन, तो एंड आई एम जस्ट गोना यूनाइट ऑल दीज मैन ऑफ पाकिस्तान, एंड ओके एंड आई एम यू नो आई एम कंक्लूड ऑन दिस, आई कंक्लूड ऑन दिस, बस ख़त्म करते हैं, मुझे लाइक शर्म आती है कि हमारी सोच राइट नाउ कहाँ पे है, व्हाट्स हैपनिंग इन पैलेस्टाइन, एंड हम लोग उनको फ्री नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू एंड ऑल दोस्त, जिन्होंने चंद ही थे आप, इतने ज़्यादा नहीं थे, मैंने कहा ना शुगर मेले में ये वीडियो बना रहा हूँ, दैट have their priority absolutely wrong. Right now is the time to यार वो क्या है कि गजा हमें ना हमारी सोच को फ्री कर रहा है, इट डजेंट नीड अजाद थिंग, इट्स अस दैट नीड्स फ्रीइंग अप फ्रॉम जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं. गजा की हालत यह है कि लिटिल लिटिल बच्चे रात को दे ग्रैब अ मार्कर एंड दे राइट द नेम ऑन द हैंड, एंड
on every limb of their body. ताकि if during the night उन पर बम गिराया जाता है, सुबह उनके जो वालदैन हैं, जो रेस्क्यूअर्स हैं ना, उनको उनकी जो चूर चूर बॉडी के पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह पे बाइज्जत दफना सके. एंड यू एफिंग प्रायोरिटी इज कि भाई हम डांसिंग करते हैं, हम फलाना करते हैं, हम ट्रिपिंग करते हैं, फलाना टिंगा. लाइक आई सेड, पाकिस्तान में बहुत थोड़े सारे मर्द रह गए हैं. एंड आई एम प्राउड ऑफ वन ऑफ देम. एंड आई एम गोना क्रिएट बिलियंस मोर. पॉपुलेशन नहीं है हमारी इतनी जितने मैं क्रिएट करूँगा इस उम्मत में. वॉच दिस स्पेस, मैं लगाऊँ. इट्स ओनली अल्लाह दैट कैन स्टॉप मी, नॉट पीपल लाइक योर सेल्फ. मर्दों की ज़रूरत है टू लिबरेट दम. या जो मुझे कह रहे थे ना, मिसोजिनिस्ट एंड वुमन हेटर एक्सेट्रा, जब आप पे कुछ बुरा गुजरता है ना, यू रन टू योर मैन. एंड इट्स योर, इट्स रियल मैन दैट बिल्ड अप के जो गाड़ियाँ गार एवरीथिंग दैट यू ब्लड यूज. एंड्रू टेट जिंदाबाद, जो हलाल चीज़ें कहता है, ये यहाँ पे मैं घुसा देता हूँ. एंड सॉरी फलस्तीन, कि मेरे मुल्क में, इस मुल्क में मर्दों की इतनी ज़्यादा कमी है दैट वी कैन नॉट कम एंड रेस्क्यू यू. आई डन माई पार्ट, मे अल्लाह एक्सेप्ट इट. बट आई स्टिल फील लाइक के एक दिन मैं जब मरूंगा ना, अल्लाह बाद में मुझे पूछेगा तो फ़िलिस्तीनी मेरी तरफ देख के पूछेंगे आपने क्या किया था. बट एज अ बिजनेस मैन मैंने बहुत कुछ किया. आई सेड इट ऑन रिकॉर्ड, मेरी कंपनियाँ उड़ा दी गई थी, बैंक अकाउंट्स बंद किए गए थे. आई हैव बीन ट्रैक्ड फॉर द पास्ट 10+ ईयर्स बिकॉज मैंने वहाँ पर शदीद किस्म के पैसे डोनेट किए थे. मर्द का बच्चों अपने हाथों से कमाए थे, खुद दिए थे. एंड आई वुड लव टू डू मोर एंड आई विल कंटिन्यू टू डू मोर. दैट्स इट, छोड़ें इसे. लाइक आई सेड, मैं बुखार से थोड़ा सा रिकवर हो रहा हूँ एंड वीडियो लंबा हो रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ़ यू वॉच्ड इट दिस फार. एंड मर्द के बच्चे हैं तो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है. एंड इफ आई एम रॉन्ग, बार में जाए, आई डोंट केयर, खुद का खाता हूँ. पाकिस्तान जिंदाबाद, बनाएंगे हम इंशाल्लाह. ओ एंड माय मैसेज, जाने से पहले सुना देता हूँ खुद, क्योंकि आई डू नॉट हैव द रेगुलर टीम विद मी. मेरी मिशन इससे पहले गुरबत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी के तुम भी आजाद हो जाओ इंशाल्लाह. एंड